अभी हम देखेंगे पावर बैंक के अंदर रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। सबसे पहले पावर बैंक ओपन करेंगे। इस पावर बैंक में यदि ये शुरू में चार्ज होके नहीं आ रही हो तो सबसे पहले इसे आप चार्जिंग पे लगाइए। इसके साथ एक केबल आती है जिससे आप इसे चार्जिंग पे लगा सकते हैं। जब आप इसे चार्जिंग पे लगाएंगे यहाँ पर ये लाइटें जो हैं जलना शुरू हो जाएंगी। जब ये पावर बैंक चार्ज हो जाए उसके बाद ये चार्जिंग का प्लग निकाल लेना है और आपको ये वीडियो कैमरे की तरह इस्तेमाल करने के लिए इसमें मेमोरी कार्ड डालना है। मेमोरी कार्ड जब आप डालेंगे जो नाम लिखा हुआ हिस्सा है वो दूसरी तरफ सामने की तरफ आएगा। जब इसे आप डालेंगे तो इस तरह आपको स्प्रिंग की तरह फील होगा। तो इसे आप अच्छे से प्रेस कर दीजिए, कट की आवाज़ आप सुनेंगे, ये अंदर रुक जाएगा। अब वीडियो रिकॉर्डिंग इस्तेमाल करने के लिए ये जो ऑन ऑफ बटन है इसे हम 10 सेकंड के लिए दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप इसे 10 सेकंड के लिए दबाएंगे तो जो रेड लाइट है वो स्टेबल हो जाएगी। इसका मतलब इसका वीडियो का फंक्शन ऑन हो चुका है लेकिन अभी रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई है। रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए जो पीछे एम का बटन है इसको 5 सेकंड दबा के रखना है। 1 2 3 4 5, जैसे आप इसे 5 सेकंड दबा के रखेंगे ये रेड लाइट 3 बार ब्लिंक करके ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। यहाँ लेंस इसका पीछे की तरफ है, इस तरीके से हम देख सकते हैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। इस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखने के लिए कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो इसके साथ केबल आई है उसका एक हिस्सा कंप्यूटर में लगाएंगे, दूसरा हिस्सा अगेन इसके अंदर लगाएंगे। जैसे हिस्सा इसमें लगाएंगे आपको आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी कार्ड एज ए USB की तरह डिटेक्ट होगा। उसके बाद आप वीडियो वाला फोल्डर खोलेंगे। इस फोल्डर के अंदर आप देखेंगे कि एक फाइल बनी है, जिस फाइल को आप प्ले करेंगे जिसके अंदर आप सारी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। वापस जब भी आपको इसे कंप्यूटर से निकालना है, इसे सेफली इजेक्ट करना है, देन यू रिमूव। इसके बाद रिमूव करने के बाद में वापस से आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, सेम वही प्रोसेस है। और इसकी यदि ब्लू लाइट ऑफ करनी है तो ओ का बटन या एम का बटन इस तरीके से आप दबाएंगे, ये लाइट ऑफ हो जाएगी। कुछ समय बाद ये लाइट ऑटोमेटिक, ये ओ 3 जो लाइट है ये पावर बैंक का इंडिकेटर है कि इस पावर बैंक के अंदर कितनी पावर बची हुई है।